हाय दोस्त, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं क्रिक लेक्स यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करें तो लेंका शहर और एसेक्स के बीच में मैच खेला जाना है उसके बारे में। तो इस मैच का आपको पिच रिपोर्ट हम बताते हैं आपको क्या है। इस मैच का पिच रिपोर्ट आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बैलेंस सरफेस है, यानी कहने का मतलब है कि दोनों को बैट्समैन हो या फिर बॉलर हो, दोनों को बराबर हेल्प मिलेगा। उसके बाद जो भी टीम टॉस जीतता है तो पहले बैटिंग करना पसंद करेगा, ठीक है। यहाँ का वेदर रिपोर्ट आप देख सकते हैं, 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं पर देखा जाए तो ह्यूमिडिटी जो होता है कि मैं ठंडक 81% तक रह सकता है, ठीक है। वहाँ कुछ हवा चलने का आसार भी है। तो आगे आपको दिखा देते हैं यहाँ का फर्स्ट इन यहाँ पर जो फर्स्ट इनिंग स्कोर है 105 का है, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसके बाद आगे आपको दिखाते हैं कि हेड टू हेड मैचेस में लेंका शहर और एसेक्स बीच में क्या क्या हुआ है। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं कि जैसे दोनों टीमों ने मैच 5-5 मैच खेले हैं हेड टू हेड में, लेकिन उसमें से लेंका शहर और आपका लेंका शहर 2 मैच जीता है 5 में से, वहीं एसेक्स 5 के 5 मैच जीत कर आ रही है। तो दोनों में फेवरेट हो जाता है एसेक्स, तो एसेक्स को लेकर के आप टीम क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए आगे प्रोबेबल प्लेइंग 11 आपको दिखा देते हैं क्या हो सकता है दोनों टीमों का। तो दोनों टीमों का देख सकते हैं इस जगह पे के जेनिंग्स, उसके बाद डी ब्लास, स्टेवन कॉप, आर जोन जोनस, उसके बाद टीम डेविड, लॉकवेल, डी लॉन्ग, टी हार्टली, आर गेल्सन, उसके बाद लोकवर्ड और वहाँ पर टॉम बेली। उसके बाद आ जाइए आपका एसेक्स की तरफ से एडम रोस्टन, उसके बाद आर दास, उसके बाद एम पेपर, डी लवेंस, उसके बाद पॉल वेटर, डेनियन सब, सिमन हार्मर, एरोन ब्रेड, उसके बाद बी ऑल्सन, टॉम एस्टली और सैमुअल कुक, ठीक है। ये दोनों टीमों का प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो जाता है। और चलिए आपको दोनों टीमों का कुछ खिलाड़ियों का स्टेट्स आपको दिखा देते हैं कि किस खिलाड़ी को अगर हम फर्स्ट इनिंग रखते हैं बैटिंग करता तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होगा और कौन सा हमारे लिए सेकेंड में इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो इस जगह पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला बात कर लेते हैं टीम डेविड, जैसे लेंका शहर का जो भी खिलाड़ी है उसके बारे में आपको डिटेल दे देते हैं। तो टीम डेविड का आपको दिखा देते हैं, टीम डेविड आपको कितना इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो टीम डेविड आपको फर्स्ट इनिंग हो या फिर सेकेंड इनिंग हो, दोनों में अच्छा करते हैं तो आप इनको अपने टीम में रख सकते हैं। ये 10 मैच खेला गया है, 10 में से 6 मैच में ड्रीम इलेवन का हिस्सा रहे हैं, तो इनको अपने टीम में रख सकते हैं। अब आपको अगला खिलाड़ी के बारे में बता देते हैं। उसके बाद आ जाइए आपका एस्कॉप के बारे में बता देते हैं। वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट खिलाड़ी हो जाएंगे क्योंकि फर्स्ट इनिंग का उनका बैटिंग एवरेज देख सकते हैं 64 का है, वहीं पर आपका 41 का सेकेंड एवरेज है, मतलब चेसिंग के टाइम में, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद और आपको दिखाते हैं पॉल वॉल्टर का, आपका दोनों ही देखिए फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग दोनों में अच्छा है दोनों का, अब इनको अपने टीम में रख सकते हैं। उसके बाद आपको दिखा देते हैं टी वेस्टली का। तो टी वेस्टली जो आपका बैट्समैन है उनका कुछ खास परफॉर्मेंस है नहीं, आप चाहें तो इनको फर्स्ट इनिंग में रख सकते हैं लेकिन सेकंड इनिंग में ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप देख सकते हैं इस जगह पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज इसका 33 का है, वही सेकंड में 15 का है, तो कुछ खास नहीं है। 10 मैच में 4 बार ड्रीम इलेवन का हिस्सा रहे हैं, ठीक है, तो इसको ना ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद दो खिलाड़ी आपको डेनियल सम्स के बारे में आपको बता दिए हैं।
रेनिल सम्स के बारे में देख लीजिए, आपका एवरेज स्कोर फर्स्ट इनिंग का 63 है, सेकंड में 49 है, तो दोनों में आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएंगे। उसके बाद आपको और दिखाते हैं एम क्रिटेली, इनके बारे में देख लीजिए, मतलब गर्दा प्लेयर आप देख सकते हैं, 10 मैचों में 8 बार आपका ड्रीम में रहे हैं, वहीं 85 का फर्स्ट इनिंग है, सेकंड में 76 का है, तो इनको अपने टीम में रख सकते हैं एज ए कैप्टन और वाइस कैप्टन, ठीक है, तो अपने टीम में जरूर ट्राई कीजिएगा, ऑलराउंडर हैं ये। चलिए और आगे दिखाते हैं आपको, उसके बाद आ जाइए आर गिल्सन, इनके बारे में देख लेते हैं। आर विल्सन का देखिए फर्स्ट इनिंग एवरेज और सेकंड देखिए 60 और 49 का रेशियो, तो इनको भी अपने टीम से आप निकाल नहीं सकते, अपने टीम में जरूर स्थान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे दिखाते हैं, अब जाइए एस हार्मर का है, इनका देख लीजिए, एस हार्मर फर्स्ट इनिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं खास, लेकिन सेकेंड इनिंग में कुछ आप इनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे दिखा देते हैं लो वेल, एल वेल, जो कि फर्स्ट इनिंग में कुछ खास नहीं रहेंगे, लेकिन सेकेंड इनिंग में चेसिंग टाइम में आप इनको अपने टीम में रख सकते हैं, ठीक है, और रखने के साथ में आप इनको कैप्टन वाइस कैप्टन भी बना सकते हैं। उसके बाद और आपको दिखाते हैं, अब आज ये ए रिंगस्टोन का, तो इनको देखिए फर्स्ट इनिंग में आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे, ठीक है, और कुछ खास है नहीं इनका, क्योंकि 10 मैच में 2 बार ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं, तो कुछ खास है नहीं, आप चाहें तो इनको अपने टीम से ड्रॉप करने का भी रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे दिखाते हैं, उसके बाद आ जाइए आपका एस हार्मर का आपको बता दिया, एल वेल का बता दिया, एरिस्टन का बता दिया, लुकविड का देख लेते हैं, लुकविड आपको एवरेज पॉइंट देंगे दोनों में देख सकते हैं, 33 और इस जगह पर देखिए 25 का है, जबकि 10 मैच में 4 बार ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं मात्र, तो इनको आप आगे देख लीजिए। और उसके बाद वी एल्सन हो गया, टी हार्टली का देख लेते हैं, टी हार्टली आपके लिए एवरेज पॉइंट रहेगा दोनों फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड में, तो दोनों आप चाहें तो रख सकते हैं इनको, और 6 बार ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं। उसके बाद आ जाइए आपको दिखा देते हैं के जेनिंग्स का, आपको शायद दिखा दिए हैं लेकिन फिर एक बार दिखा देते हैं आपको, देखिए एवरेज है फर्स्ट इनिंग में आपको 42 पॉइंट के करीब देते हैं, लेकिन सेकंड इनिंग में कुछ खास नहीं कर पाते हैं, क्योंकि 10 मैच में 5 में ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं। और आपको दिखाते हैं अब इस जगह पे आते हैं नीचे एवर्ड को देख लेते हैं, फर्स्ट इनिंग अच्छा है, बॉलर है, अगर फर्स्ट कराते हैं तो ये बॉलर आपको अच्छा खासा पॉइंट दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ 67 का इसका एवरेज, अगर फर्स्ट में बॉलिंग करते हैं तब, ठीक है। उसके बाद और दिखा देते हैं परिवंश टी विलास का देख लीजिए, दोनों फर्स्ट इनिंग एवरेज अच्छा है, 49 का है, वहीं सेकंड में 10 में 6 मैचों में 45 का एवरेज रहा है, इनको भी आप अपना वाइस कैप्टन का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है, 7 मैचों में ड्रीम टीम का हिस्सा रहे हैं। और आपको देख लेते हैं कोई खिलाड़ी छूटा हुआ है, आर दास और टी वेटली, दोनों मतलब लगभग लगभग फर्स्ट इनिंग का देखिए ठीक है, लेकिन सेकंड इनिंग का कुछ खास है नहीं, और ड्रीम टीम का हिस्सा रहे नहीं, तो इन दोनों को अपने टीम में रखने से आपको कोई ज़्यादा खास बेनिफिट होने वाला है नहीं, ठीक है।
टी वैली का दिखा देते हैं आपको, कुछ खास नहीं है, इनको आपको टीम में रखना ही बेकार है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो जो भी हमने इस वीडियो में बताया है इसको देखते हुए फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और लास्ट में आप वीडियो देखने का अपने जैसे हम आपने मेरे वीडियो देख लिया, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए ज़रूर बोलिएगा और मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी लेकर के। धन्यवाद।